He is probably the funniest person I know, and everyone knows I have this friend umar Mukhtar, hmm. and I and and he very funny. I have very funny and um, very passionate people in my life surrounded by, and very creative. So I used to say that is very funny. Hmm. When I met Farhan, I came back, and Farhan came to my birthday and everything, and I and I came back and I was like Umar i'm sorry but Farhan said is the funniest person i know ah they cling it they cling it then one I, once i introduced them and yeah. he was like yeah he is Farhan is, Farhan is very very funny yeah and kabibi i think ansa is set pe nabil kubini hamrae itake ham अच्छा नहीं बताते शायद वो हो ही जाए बट uh, हल्का फुल्का कभी गुनगुना देते हैं लेकिन गाते तो वो भी नहीं है सेट पे सीरियसली हाँ तो ही नॉट इन द हैबिट कि वो गुनगुना रहे हो चलते, फिरते बहुत, बहुत कम बहुत कम बहुत कम आप क्या हमें सुना रही हैं आज मैं कुछ भी नहीं सुनाऊंगी थोड़ा सा मेरा गला खराब है गुनगुना के हूँ करके नहीं कुछ निकलने चाहिए ना इतना अच्छा तो बोल रही थी कोई गला खराब नहीं है इतना इतना प्यारा करती है नहीं चाहिए हमें यहाँ जब से आप शोबिस में आई हैं तब से टेल मी वन कोई भी फैन इंसिडेंट लाइक द क्रेजीएस्ट और समथिंग दैट यू नो जो हुआ तो आंख में आंसू आ गए ओ वाह लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं दो तीन चीजें एक मैंने बताई हुई स्टोरी की मेरे घर के बाहर कुछ फैंस आ गए थे hmm. मैं घर पे नहीं थी और वो जा नहीं रहे थे hmm. तो फिर पुलिस आ गई hmm. और फिर मतलब वो एक सीन क्रिएट हुआ तो वो एक क्रेजी सीन है कि इतनी देर वो तीन चार घंटे रहे एंड देन वंस ये बहुत कोई क्रेजी मोमेंट नहीं है बट इट वॉज सो स्मॉल दैट जस्ट कभी छोटी छोटी चीजें आपको खुश कर जाती है ना तो मैं लाहौर में थी एंड uh, मैं किसी शूट से वापस जा रही थी गाड़ी में थी अपना चिल कर रही थी बात कर रही थी मैनेजमेंट के लोग बैठे थे बात शाद करी थी तो लेफ्ट पे ना दिस इज़ आफ्टर मेरे हम सफ़र लेफ्ट <coughs> मेरे एक रिक्शा था और एक बूढ़े से अंकल बैठे थे उसमें तो दाढ़ी थी उनके बूढ़े से अंकल थे उन्होंने मैं हंस खेल रही थी तो उन्होंने मुझे देखा और कहते हैं आपको तो हमेशा हम रोते हुए देखते हैं हंसते हुए देखते हुए अच्छा लग रहा है एम आई पॉपुलर मुझे रियलाइज ही नहीं कभी हुआ था कि मैं मशहूर हूँ इस तरह yeah. मुझे लगता सिर्फ बरगर आवाम देखती है यू नो कि मेरे एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे या इंटरनेट uh, देख रहा है सिर्फ आई नू के हाउस होल्ड में जानी जा रही हूँ सो इट वॉज अटल मोमेंट बट इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मीट सो नाइस थे कब डिसाइड किया कि मुझे जरूरत है और क्यों और आपको क्यों एडवाइस करेंगे आप किसी को भी कि दे शुड बिकॉज ये बड़ा टैबू yeah. सब्जेक्ट है ये मैंने सोचा था जब आप कह रही थी कि हाउ डिड यू गेट बेटर वो उस mm -hmm. वक्त मैंने सोचा था बोलती इतना हूँ तो भूल गई थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और um, हाँ जब वो बात हो रही थी ना अनकंडीशनल लव वाली सो वैन यू हैव टू आई थिंक यू नीड टू क्वेश्चन वाई देर आर सर्टन पैटर्न इन योर लाइफ ंग फॉर पीपल दैट आर नॉट गुड फॉर देम समीपल फॉलो इन फ्रेंडशिप्स वेयर फ्रेंड्स आर नॉट रियली देर फ्रेंड्स कोई और बात होती है यू नो सो जब आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्नस होने लग जाए ना और, और एक ही चीज बार बार हो रही हो और अच्छी भी ना हो hmm. आपको क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि मेरे में तो कुछ गलत नहीं है कहीं मैं तो ये चूज नहीं कर रही जिंदगी अपने लिए बिकॉज इट्स हैबिचुअल आप हैबिट से भी कुछ लोगों के साथ हैंड आउट करते हैं आप कंफर्ट फील करते हैं यू नो इफ यू इफ यू बिन इन अनवामेंट जहाँ पे आपने सिर्फ पेरेंटल uh, फिगर्स को सख्त होते हुए देखा तो आपको सिर्फ वो लोग समझ आते हैं जो आपके साथ सख्ती से बात करते हैं इट्स फमिलियर टू यू आप उसे yeah. ये नहीं कहते ओए मुझसे कैसे बात करते हैं hmm. ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है यू नो सो जब आप वो कर रहे होते हैं पैटर्नस होते हैं आप खुश नहीं होते अपने आप से सो यू नीट टू क्वेश्चन योर सेल्फ मे बी समथिंग्स अप विद मी आई एम मेकिंग द रोंग चॉइस इन पीपल सो आई थिंक दैट क्वेश्चन टुक मी डे थेरेपी वे आई वॉज लाइक दैट क्वेश्चन ऑल्सो अनदर थिंक विच वॉज दैट आई एम सो नाइस टू पीपल यू नो और मैं अपने दोस्तों को भी जब भी वो अपसेट होते हैं ना या देर गोइंग थ्रू एंड वेन आई सी डिप्रेशन आई मीन डिप्रेशन आई डोंट मीन के सैडनेस ओके वैन देर गोइंग थ्रू समथिंग बैड वैन देर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज आई ऑल्सो टेल दैम दैट यू आर अ गुड पर्सन यू नो योर इंटेंशन आर प्योर यू डोंट वॉन्ट कि किसी के साथ बुरा हो आप किसी बुरा करना नहीं चाहते हो ना ही करते हो वाई इज इट दैट यू आर सो सैड एंड डिप्रेस्ड आइट नाउ यू ओवर टे योर सेल्फ एंड द पर्सन दैट यू आर कि आप अपने आप को इससे निकालो इट इज अप टू यू थेरेपिस्ट भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते